जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम हमारे सामने आता है, वैसे ही हमारे दिमाग में दुनिया भर की वेब सीरीज घूमने लगती है, क्योंकि ओटीटी का सीधा मतलब जुड़ा है वेब सीरीज से। लेकिन वेब सीरीज के नाम पर फ्रीडम का सहारा लिया जा रहा है, और फ्रीडम के नाम पर जो वेब सीरीज में गंदगी, गाली और अश्लीलता परोसी जा रही है, ये सबसे पहले चला आता है, क्योंकि ये चीजें नहीं होगी तो कोई भी वेब सीरीज नहीं बन सकती। अश्लीलता, गंदगी और गाली कुल मिलाकर बनती है एक वेब सीरीज। देखिए, ऐसा नहीं कि सारी वेब सीरीज ही गंदी है। पंचायत जैसी वेब सीरीज बनती है तब उसे हर कोई पसंद करता है, हर वर्ग के लोग देखते हैं, और इस तरह की वेब सीरीज बनाई जानी चाहिए। वेब सीरीज में काम करना हर एक एक्टर का सपना होता है। कई कलाकार ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिन्हें काम नहीं मिल रहा था। वेब सीरीज ने उन्हें काम दिलाया, नाम दिलाया और पहचान दिलाई। लेकिन बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जिनका ये कहना है कि मैंने कसम खाई है कि मैं ओटीटी पर कभी भी नहीं आऊंगा, मैं कभी भी इस तरह की वेब सीरीज में काम नहीं करूंगा जिसमें गाली गलौज हो, गंदगी हो और अश्लीलता हो, क्योंकि इस तरह के सीन करने के बाद दिल को सुकून नहीं मिलेगा, आप परिवार वालों के सामने नहीं आ सकते, ना उनसे नजरें मिला सकते। मैं 2 दशक से बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत नाम कमाया है, लेकिन इस तरह के काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बिना गाली दिए भी कॉमेडी की जा सकती है, लोगों को हंसाया जा सकता है। देखिए, ये एक्टर कोई और नहीं है, राजपाल यादव है। राजपाल यादव कितना बड़ा नाम है कॉमेडी की दुनिया में, फिल्मों में, ये हम सभी अच्छी तरह से। राजपाल यादव वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने नाम के साथ अपने पिताजी के नाम को भी कहा है कि वो जोड़कर रखेंगे और फिल्मों में उनका नाम इसी तरह से दिखाया जाएगा, राजपाल नौरंग यादव। राजपाल यादव की तरह अगर हर कलाकार की सोच हो जाए कि हमें गंदगी का साथ नहीं देना है, गंदी फिल्मों में काम नहीं करना है, गाली गलौज वाली वेब सीरीज में काम नहीं करना है, तो शायद समाज में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन बहुत सारे कलाकार इन्हीं गलत चीजों को फॉलो करते हैं और इन्हीं का साथ देते हैं, क्योंकि अश्लीलता ही आज बॉलीवुड की पहचान बन चुकी। राज कुंद्रा जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, इस तरह का काम करने वाले बॉलीवुड में अनगिनत लोग। बॉलीवुड में इतना नाम खराब होने के बाद भी शिल्पा शेट्टी बड़े शान से अपनी जिंदगी जी रही है, और एक के बाद एक हर रोज किसी न किसी पुस्तक का पन्ना फाड़ कर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और खुद को महान दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन महानता ये नहीं है कि गलत काम करके खुद को महान दिखाओ, महानता यही है कि आप इस तरह की चीजों से जुड़ो ही मत, बुरी चीजों को आप सपोर्ट मत करो, उसे फॉलो मत करो, उसे आगे मत बढ़ाओ। लेकिन इसको आगे बढ़ाए बिना ये लोग आगे चल भी नहीं सकते, तरक्की तक नहीं कर सकते। तो राजपाल जैसे लोगों को भाई दिल से सलाम।